जब तुम आत्मज्ञान प्राप्त करोगे पार्थ, स्वयं को मुझसे जुड़ा ही पाओगे, तब तुम भी मेरी ही भांति स्वयं को परमात्मा के रूप में देखोगे। किंतु उस पद को प्राप्त करने हेतु मेरे प्रति संपूर्ण समर्पण अनिवार्य है। समर्पण क्या है मां? समर्पण मन की ऐसी स्थिति का नाम जब मनुष्य अपने सारे संकल्पों का त्याग कर देता है, स्वयं से किसी प्रकार के निर्णय अथवा प्रण भी नहीं लेता। जिस प्रकार के कार्य उसे दिए जाते हैं उसी प्रकार के कार्य करता है। वास्तव में समर्पण का अर्थ होता है अपने आप, अपने मन को, बुद्धि को, ज्ञान को, इच्छा को, आशा को, अपनी भावनाओं को, अपना सब कुछ किसी को अर्पण कर देना। और ऐसे समर्पण को भक्ति कहते हैं। पत्नी का समर्पण पति की ओर, योद्धा का समर्पण सेनापति की ओर, एक शिष्य के हृदय में गुरु भक्ति होती है। क्या ये सारी भक्तियां एक समान? क्या सबको ईश्वर की प्राप्ति होती है? नहीं पार्थ, मनुष्य जिसके प्रति समर्पित होता है उसी के रूप में ढलने लगता है। उसके मन में कोई संदेह, कोई प्रश्न जन्म नहीं लेता। किसी दुष्ट के प्रति समर्पण उस मनुष्य के कार्यों को दूषित कर देता है। अंगराज कर्ण ने धर्म को जानते हुए भी द्यूत सभा में पांचाली को अपशब्द कहे थे। जो पांच पांच पुरुषों के साथ संबंध रखती है, वैश्या होती है ऐसी स्त्रियां, वैश्या होती है ऐसी स्त्रियां। उसका कारण था अंगराज का भ्राता दुर्योधन के प्रति समर्पण। इस युद्ध में उन्हें जो दंड मिलेगा वो किसी जन्म या जाति के लिए नहीं, अथवा एक दुष्ट के प्रति समर्पण के लिए उन्हें दंड मिलेगा। इसलिए हे धनंजय, समर्पण उत्तम के प्रति होना आवश्यक है। उसी से मनुष्य उत्तम बनता है। लोहे की माला से अपराधी बांधा जाता है, पीतल की माला से मंदिर के दीपक को बांधा जाता है, और सोने की माला को आभूषण बनाकर गले में धारण किया जाता है। पति भक्ति, स्वामी भक्ति, मित्र भक्ति, ऐसी अनेक भक्तियां होती हैं पार्थ, किंतु सबसे श्रेष्ठ भक्ति तो परमात्मा की भक्ति होती है। किंतु परमात्मा की भक्ति का सांख्य अथवा कर्म योग से क्या संबंध है? सांख्य योग के कारण मनुष्य स्वयं को आत्मा के रूप में जानता है। कर्मयोग से वो जीवन के बंधनों से छूट जाता है, और भक्ति के कारण मनुष्य को परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होता है। परमात्मा के ज्ञान से मनुष्य जन्म मरण के फेरों से छूटकर सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। परमात्मा में समाकर स्वयं परमात्मा हो जाता है। जैसे जल की छोटी सी बूंद जब सागर में मिलती है तो स्वयं सागर बन जाती है। अर्थात
इस शरीर का कोई महत्व ही नहीं है माता। अवश्य महत्व है पार्थ। शरीर के माध्यम से ही मनुष्य को परमात्मा का साक्षात्कार होता है। मृत्यु और नए जन्म के बीच के समय में आत्मा के ज्ञान में वृद्धि नहीं हो पाती। इस जन्म में प्राप्त अनुभव, ज्ञान, विचार और अभ्यास को लेकर आत्मा नया शरीर धारण करती है। आत्मा की प्रगति और अधोगति शरीर में रहकर ही संभव है। परंतु माधव, यहां उपस्थित व्यक्तियों का वध करके क्या हम उनके उद्धार की संभावना को नष्ट नहीं कर देंगे? तुम्हारे शत्रु धर्म की मर्यादा को तोड़ चुके हैं पार्थ। अधर्म ही उनका स्वभाव बन गया है। उनका उद्धार अब असंभव है। अपराधी को एक सीमा तक ही उद्धार का अवसर दिया जा सकता है। मैंने शिशुपाल के 99 अपराधों को क्षमा किया था, किंतु 100 अपराधों के पश्चात उसे दंड देना आवश्यक था। अपराधी को यदि अपराध करने दिया जाए तो उसका अधिक से अधिक पतन होता है। उसे अधर्म से रोकने में ही करुणा है धनंजय। ये आत्माएं मरेंगी नहीं, अधर्म से दूषित शरीर का त्याग करके नया शरीर धारण करेंगी और उस शरीर में उनकी प्रगति की संभावना अधिक होगी। इस विचार से यदि तुम युद्ध करोगे तो वो उचित है। मनुष्य का शरीर उसकी संपत्ति भी है और मर्यादा भी। धर्म के मार्ग पर प्रवास करने वाला मनुष्य अपने शरीर को शुद्ध करता है और उसके माध्यम से आत्मा का साक्षात्कार करता है। इसी को क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संबंध कहा गया है। मैं इसका तात्पर्य नहीं जान पाया माधव। जब मनुष्य ये जान लेता है कि उसका शरीर एक भूमि का टुकड़ा है, अर्थात क्षेत्र है, और वो शरीर में रहने वाला, उस शरीर को समझने वाला अर्थात क्षेत्रज्ञ है, तब वो शरीर के माध्यम से अपनी प्रगति साध पाता है। आत्मा शरीर में रहकर 3 गुणों का समतोलन करती है। तमस को घटाकर सत्व को बढ़ाने का उपाय करती है और ईश्वर की भक्ति करके परमात्मा के साथ एक हो जाती है। भक्ति कैसे की जाती है माधव? क्या समर्पण ही भक्ति नहीं? नहीं पार, समर्पण तो भक्ति का प्रथम चरण है। वास्तव में भक्ति किसी कार्य का नाम नहीं, वो तो केवल मनस्थिति का नाम है। आवश्यक है कि मनुष्य जप तप, यज्ञ याग, यम नियम, योग और स्वाध्याय के माध्यम से अपने अंतर को शुद्ध करे और परमात्मा के प्रति समर्पित रहे। मनुष्य अपने सारे कार्य, सभी कार्यों के फल, अपने जीवन का प्रत्येक श्वास परमात्मा को समर्पित करता रहे। यदि भक्ति केवल मन की स्थिति
तो जब तब आदि का क्या महत्व है मां? जैसे आज धोया हुआ पात्र कल पुनः मैला हो जाता है, वैसे ही मनुष्य का मन बार बार परमात्मा से विमुख हो जाता है। इसीलिए आवश्यक है कि जब तप और स्वाध्याय आदि के माध्यम से स्वयं को निरंतर ये स्मरण दिलाता रहे कि उसका जीवन परमात्मा के प्रति समर्पित है। किस तट पर डुबकी लगाई जाए इसका महत्व नहीं, महत्व है डुबकी लगाने का। भक्ति योग का एक ही सार है पार, कि मनुष्य परमात्मा को अपना जीवन अर्पण करके परमात्मा की भक्ति करता रहे और सत्व गुण से युक्त संपत्ति को संभाल कर रखे। सत्व गुणी संपत्ति किसे कहा जाता है? अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांति ही पेशुनम दया भूतेश्व लोलुप्त्वम मार्दवम वीर चापलम तेज क्षमा धृति शोचम द्रोहो नाति मानिता भवन्ति संपदम देवी अभिजातस्य भारत। बिना कारण तथा स्वार्थ के हेतु हिंसा करना अधर्म है पार्थ। वास्तव में अहिंसा ही परम धर्म है और उसके साथ सत्य क्रोध ना करना, त्याग मन की शांति, निंदा ना करना दया भाव, सुख के प्रति आकर्षित ना होना, बिना कारण कोई कार्य ना करना, तेज क्षमा धैर्य शरीर की शुद्धता, धर्म का ध्रोह ना करना तथा अहंकार ना करना, इतने गुणों को सत्वगुणी संपत्ति या दैवी संपत्ति कहा जाता है। इसी से मनुष्य परमात्मा की अर्थात मेरी भक्ति कर पाता है, जीवन के कर्तव्यों का वहन करता है, धर्म की स्थापना करता है और कर्म के फल की आशा का त्याग करके जीता है। उसे मैं निस्संदेह इस जन्म में संतोष देता और मृत्यु के पश्चात अपने ही अंतर में स्थान देता हूं।